केराटिन ट्रीटमेंट एट होम फॉर स्ट्रेट स्मूथ सिल्की एंड शाइनी फ्रिज फ्री हेयर, हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आज हम वैसलिन का इस्तेमाल करके बालों को स्मूथ करेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, बालों में मॉइस्चर नहीं है, आपके बाल ड्राई डैमेज हो गए, आपने कोई ऐसा केमिकल यूज़ कर लिया है जिससे आपके बाल में स्प्लिट एंड्स आ रखी है और बाल झाड़ू जैसे दिखाई देने लगे हैं, उन बालों को किस तरीके से नेचुरली रिपेयर करेंगे, बालों को स्मूथ करेंगे, सॉफ्ट करेंगे और उसके साथ ही साथ आप हेयर ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हो, तो इस वीडियो पर बने रहना, एंड तक एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। और आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको स्मूथनिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्नफ्लोर यानी कि मकाई का आटे का इस्तेमाल करना है। आपको 5 ग्राम के करीब मकाई के आटे को स्टील के बाउल के अंदर निकाल लेना है। दोस्तों, मकाई का आटा आपके बालों में से फ्रिजनेस को एलिमिनेट मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। आपके बाल में वॉल्यूम भी ऐड होता है। अगर आपके बाल में वॉल्यूम नहीं आता है तो आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए आप मकाई का आटा इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपकी स्केल्प के लिए भी मकाई का आटा बहुत ही हेल्दियर रहता है। आपकी स्केल्प में अगर आपको सीबम की प्रॉब्लम है, आपकी स्केल्प क्लीन नहीं होती सही से, तो आपको इस नुस्खे का इस्तेमाल करना जो हम बता रहे हैं आपको। कॉर्नफ्लोर को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर को स्टील के बाउल के अंदर निकाल लेना है, उसके अंदर आपको वाटर ऐड कर देना है और उसके बाद दोस्तों उसको अच्छे से बॉईल करना है, पकाना है। तो पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपको 1 स्पून के करीब वैसलिन ऐड कर देना है। दोस्तों वैसलिन क्या करेगी दोस्तों, हमारे बालों में से स्प्लिट एंड्स को मिनिमाइज कर देगी, ड्राई डैमेज बाल को डीपली रिपेयर करेगी, आपके बालों को हेल्थियर रखेगी। अगर आपके बाल ड्राई डैमेज है तो उसको रिपेयर करने के लिए आप वैसलिन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वैसलिन बहुत ही स्टिकी होती है, तो इसके बाद आपको शैम्पू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 स्पून आपको कॉर्नफ्लोर जो हमने बॉईल करा उसी के अंदर 1 स्पून आपको वैसलिन ऐड कर देना है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको तीसरी और लास्ट चीज़ ऐड करना है, वो है कोकोनट ऑयल। प्योर वाला किसी भी कंपनी का आपको कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ कर लेना है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों स्मूथनिंग क्रीम हमारी तैयार हो गई है। दोस्तों इस क्रीम को आप शैम्पू करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो या शैम्पू करने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी रहते तो आपको शैम्पू कर लेना चाहिए। दोस्तों बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपको कॉर्नफ्लोर और वैसलिन से बनी स्मूथनिंग क्रीम को स्केल पर और पूरे बालों की लेंथ पर लगाना है कम से कम 30 मिनट के लिए। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस दौरान आपको बालों को कवर करके रखना है प्लास्टिक की पन्नी से या सावर केप से। उसके बाद आपको बालों को क्लीन कर देना है। वीक में आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट।